सब्सक्राइब करें टेक गुप्ता चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप देख सकें टेक्निकल और सीएससी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, आज का वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पे कि आधार सेंटर चालू हो रहे हैं। दोस्तों इस पे इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे दो और वीडियो हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका फ्री में सेंटर लग जाएगा आधार सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम आपको तीसरा और नया प्रोसेस बताने वाले हैं जो कि पूरी तरह से जेन्युइन है, और हमारे दोनों प्रोसेस भी पूरी तरह से जेन्युइन थी। तो ये एक अपग्रेडेड वीडियो है, अपग्रेडेड वर्जन है, तो आप इसको देख के अपना सेंटर एक्टिव करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले उन वीएलई से निवेदन करूंगा जिन्होंने हमारे उस वीडियो को देख के अपना ईमेल फॉरवर्ड किया था, कंसर्न लेटर फॉरवर्ड किया था। उनका काम प्रोसेस में है, काम हो रहा है और उनका काम हो ही जाएगा जैसा कि हमें लग रहा है। तो वेट कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने उस वीडियो को फॉलो नहीं किया था, तो आप इस वीडियो को देख के भी अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में तो मैं एक तरह से आपको बोल देता हूँ कि गारंटी है कि आपको मिल जाएगा आधार का काम, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा मेरी ये यहाँ पे कहना है, एक आश्वासन मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो है पोर्टल V2C की पोर्टल है reachmyindia.com, और दोस्तों ये CMS का पोर्टल है, जनसेवा केंद्र, बहुत जगह पे ये काम करता है और इसके थ्रू आप जो है आधार कार्ड का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप जैसे ही आते हैं इसका URL आप देख लीजिए reachmyindia.com, और यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है VLE UIDAI डिटेल्स। तो सिंपली दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करते हो तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉल आ जाएंगे और आपको अपना सारा काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टाइप जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो एप्लीकेशन टाइप में आप न्यू VLE हैं या एग्जिटिंग VLE हैं, मतलब अगर आप पहले से रीच माई इंडिया पोर्टल को यूज करते हैं तो आपको एग्जिटिंग करना है, अगर आप यूज नहीं करते तो आपको न्यू करना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप न्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको VLE ID देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिनके पास जनसेवा केंद्र है उनके लिए भी है, जिनके पास नहीं है वो भी यहाँ पे अपना आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है, हम सिंपली यहाँ पे न्यू VLE सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लोकेशन टाइप आपको रूरल या अनवन, मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेट। तो स्टेट में यहाँ पे काफी सारे स्टेट हैं, ए से लेके यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिलते हैं W तक। तो सारे स्टेट मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिए आपका स्टेट है, आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, सब डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको अपना सेंटर का लोकेशन डाल देना है, आपका जो फुल लोकेशन आपको डालना है 300 कैरेक्टर के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेंटर है उसका जो लैंडमार्क है वो लैंडमार्क आपको डालना है, आपका एरिया का जो सेंटर का पिन कोड है वो आपको डाल देना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे कि आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, आप अपने नाम डालने के बाद यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, आपका जो पैन नंबर है वो मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको डालना है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी आप वही डालिए जो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे आई एम सर्टिफाइड, तो आप यहाँ पे सर्टिफाइड है, आधार सर्टिफाइड है, तो आपको यस करना है। और उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको ऑपरेटर डिटेल्स डालना है, मतलब आप जो कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, अगर कोई और ऑपरेटर आप रखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। ऑपरेटर सुपरवाइजर आपको नाम डाल देना है, तो सिंपली बात है आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आपके पास जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको डालना है, और ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो आधार नंबर है वो आपको डालना है। तो सिंपली आप इस सभी को डाल दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेटिव वर्किंग आधार, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर आप पहले से अगर आप पहले से आधार का काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप पहले से नहीं कर रहे हो तो सिंपली आपको नो करना है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे VLE कर रहे थे तो आपको सिंपली यस कर देना है, अगर आप कभी फर्स्ट टाइम करना चाहते हो आधार का काम तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको वेरीफायर डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पे आपको वेरीफायर नेम, वेरीफायर मोबाइल नंबर, वेरीफायर डिस्टिग्नेशन, और उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट वो कौन से डिपार्टमेंट से, और वेरीफायर का जो एड्रेस आपको डाल देना है, पूरा एड्रेस आपको डालना है। तो वेरीफायर कौन होगा, कोई भी रिटायर्ड पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वो रिटायर्ड हो चुका है वो आपका वेरीफायर हो सकता है। तो सिंपली आपके गाँव में जो भी वेरीफायर होंगे, जो भी रिटायर्ड पर्सन होंगे गवर्नमेंट जॉब से, उनका डिटेल्स आपको डाल देना है, वो किस डिपार्टमेंट से, उनका वहाँ पे आपको डिस्टिग्नेशन डाल देना है।
तो सिंपली दोस्तों इतना आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ और बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि यहाँ पे बैंक नेम, आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना है, ब्रांच नेम आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे अपना दे देना है। सारा कुछ सिक्योर है, घबराने की बात नहीं है, आपको अपना IFSC कोड यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी वो आपकी अपनी होंगी, ऑपरेटर सुपरवाइजर या VLE की डिटेल्स यहाँ पे होंगी। उसके बाद दोस्तों इसकी जो साइज है वो आपको मिनिमम 20 KB डालना है और मैक्सिमम आपका जो साइज है वो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही डाल देते हैं, यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ ब्लैंक चेक, सॉरी दोस्तों बैंक चेक का जो आपका स्कैन कॉपी है वो आपको डाल देना है, आधार ऑफ ऑपरेटर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल देना है, ऑपरेटर का आधार कार्ड, और वेरीफायर बायोडाटा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जो वेरीफायर है उनका बायोडाटा आपको स्कैन करके डाल देना है, वेरीफायर का पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ वेरीफायर, यहाँ पे आपको वेरीफायर का एड्रेस प्रूफ डाल देना है, और उनका जो ID है किस ऑफिस से इशू हुआ है उसके जो सर्टिफिकेट होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री कर देना है, दोनों पे आपको टिक कर देना है, और दोनों पे टिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं एक दो दिन बाद आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा रिजमा इंडिया पोर्टल से, आपसे सारी बातें हो जाएंगी, आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो काम होगा हमारे प्राइवेट सेंटर में होगा या गवर्नमेंट पैलेस में होगा, अगर गवर्नमेंट पैलेस में होगा तो हमको कितनी सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, क्या कमीशन होगा, कितना कमीशन मिलेगा, अपडेट का करने का हमको चार्ज लेना है कितना हमको उस पर कमीशन मिलेगा, तो ये सब वगैरह वगैरह फलाना ढिकाना आप पूछ सकते हैं इनसे। और इनका जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आप इन पे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आवेदन हो रहा है, हमारे मित्र ने भी इस पे आवेदन किया है, उनसे तो अभी कोई चार्जेस की डिमांड नहीं की गई है, हमने अपना आवेदन नहीं किया है क्योंकि हम आधार कार्ड का काम नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपको करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पे और भी वीडियो हैं, अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आधार कार्ड का काम हो जाएगा। यहाँ से फ्री में होता है या नहीं होता उसकी तो हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पुराने वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो 90% चांसेस है कि आपका आधार कार्ड का काम फ्री में हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेके, वो लाख दो लाख का मशीन लेके बैठे हैं लेकिन उनको आधार कार्ड का काम नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से 5 से 10 ऐसे लोग होंगे जिनका 2 लाख का संपत्ति बच जाएगा, वो काम कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप टेक गुप्ता चैनल पे नए हैं, हो सके तो हमारे चैनल को यहाँ जी सब्सक्राइब के बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों ये जो बेल का आइकन है इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। बेल के आइकन पे क्लिक करने से ये होगा कि हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे अपने चैनल पे डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।